कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया कोर्स लेकर, वो है इंजीनियरिंग एथिक्स का। इंजीनियरिंग एथिक्स जो कि जनरल स्टडी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, UPSC का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का जनरल स्टडी का एक टॉपिक है इंजीनियरिंग एथिक्स। UPSC में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें ये चीज़ें कंपल्सरी करता जा रहा है ताकि आप लोगों को ये पता हो कि आपका एथिक्स क्या है। कुछ लॉ होते हैं और कुछ आपके एथिक्स होते हैं। आपके एथिक्स आपको पता होना चाहिए तभी आपको वो जॉब ऑफर करेगी, कहीं भी आप जॉब करने जाते हैं। तो इसलिए हर एग्जाम में आपका UPSC ये जो बड़े एग्जाम्स हैं जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, इसमें आपको इंजीनियरिंग एथिक्स का टॉपिक हमने कंपल्सरी किया है, तो इसी को हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इंजीनियर, अभी मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से और ये मैंने DIT मिश्रा से किया था। इसके अलावा मैंने MA मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है थर्मल इंजीनियरिंग से। मेरा गेट में AIR बेस्ट AIR 159 था। मैं रिसर्च स्कॉलर, मैंने MTech किया, उसको रिसर्च किया और अभी सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव में रहा हूँ। तो ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन था। चलिए बिना समय गवाए में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग एथिक्स का ये टॉपिक को। इंजीनियरिंग एथिक्स, इसमें आपको अपने एथिक्स को जानना है बस, क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके एथिक्स हैं, क्यों किसका इंटरप्शन होते हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप बाद में ये ना कर पाओ कि मुझे पता ही नहीं था इसलिए मैं इसे गलती हो गई, मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पता ही नहीं थी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए चैप्टर डाला गया है, टॉपिक डाला गया आपके जनरल में। और चूँकि बहुत ही जनरल कॉमन सी बातें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बस बाय डेफिनेशन जानना है, कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको, तो इतना आपके उनके पास समय भी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जान सके चीज़ों को। हम लोग आराम से सिर्फ ऊपर ऊपर सब चीज़ों को जानेंगे और क्वेश्चन भी इससे आसान ही आता है, एथिक्स से ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आने वाला। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपके नॉलेज को चेक करेगा, क्या आप ये पढ़ा है, आप जानते हो अपने एथिक्स को। तो ये सब चीज़ें हम लोग को जानना है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या पढ़ना होता है। सबसे पहला इंजीनियरिंग एथिक्स के बारे में हम लोग जाने। तो इंजीनियरिंग एथिक्स क्या है? एथिक्स इज द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरल्स एंड इन्वॉल्व द मोरल चॉइस मेड बाय द इंडिविजुअल्स एज दे इंटरैक्ट विद अदर पर्सन। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट कर सको, कैसे आपको काम करना है, वहाँ पे आपका मोरल क्या होना चाहिए, ये सब सभी चीज़ों की स्टडी ही आपका एथिक्स में आता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ एथिक्स एज दे मेक चॉइस ड्यूरिंग द देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग एथिक्स की बात करें तो आपको इंजीनियरिंग के जॉब के दौरान आपको अपने एथिक्स पता होने चाहिए, आपको सही गलत पता होना चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले सको, आप कुछ गड़बड़ ना कर दो जो अनएथिकल हो। तो इंजीनियरिंग एथिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इंजीनियरिंग एथिक्स विल बी डिफाइंड एज द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ इंजीनियर्स इन देयर रोल्स एंड प्रोफेशनल्स। ये है इंजीनियरिंग एथिक्स कि आपका जो स्टैंडर्ड्स, जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आप काम करें, इंजीनियरिंग जॉब करें। खासकर आप अगर ऑफिसर ग्रेड पे जॉब करने जा रहे हैं तो आपको अपना सही गलत तो बताओ ताकि आप किसी के ऊपर ये ना कर सकते मुझे पता ही नहीं था इसलिए मैंने इससे ये गलती हो गई, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको एथिक्स पढ़ना है, इसके बारे में जानना और बस बेसिक्स ही जानने हैं। तो देखते हैं क्या बेसिक चीज़ें, कौन से बेसिक पॉइंट्स हम लोग को जानने हैं, वो सब सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप ये सब टॉपिक्स लोगों के पास उपलब्ध नहीं, ना ही मटेरियल पता है और ना ही चीज़ें उन लोगों को पता है कि क्या हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो आपसे आग्रह कि आप इस कोर्स को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि जनरल स्टडीज का जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है, खासकर इंजीनियर्स को। ये चैप्टर आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए आपसे आग्रह है कि इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें। चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन ये क्या है। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोफेशन एज अपोज टू एन ऑकुपेशन और जॉब। अ प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। ये इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्या है, इंजीनियरिंग है क्या, इंजीनियरिंग के जॉब्स क्या होते हैं, तो इस चीज को भी हमको जानना जरूरी है।
तभी तो हम इसके इथिक्स को समझ सकते हैं और इंजीनियरिंग और बाकी जॉब्स में क्या अंतर है डिफरेंस इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि कौन सा प्रोफेशन ये ऑक्यूपेशन क्या है इस चीज को हमें जानना जरूरी है जानते हैं हम इसे वर्क रिक्वायर्ड sophisticated skills, judgment and exercise of discretion, so work is not routine. Second, membership in the profession requires formal education. जो भी membership है उनको formal education की इसमें जरूरत पड़ती है engineering job में ऐसे नहीं कोई भी अपने आप को engineer कर लेगा A special so, controlled by the members of the profession. The society is कौन है? The controlled by members of professions. Establish the standard for the admission into the profession and the conduct of its member. यही है engineering जिसमें आप देखते हो कभी कई लोग कहते हैं कि interview वगैरह क्यों होता है? वो judge करते हैं कि आप इस professor से पढ़ने से नहीं होगा ये एक experimental work है. आपको job करना है तो आपको experimentally आप जानते हैं चीजों को या नहीं जानते हैं इस चीजों को भाई वो theoretically चेक नहीं कर सकते एग्जाम लेकर सिर्फ वो इंटरव्यू से ही आपको चेक कर सकते हैं तो वो आप लोगों को चेक करते हैं और फिर अपने सोसाइटी में आपको शामिल करते हैं इंजीनियर के सोसाइटी में और आप उनके साथ मिलकर काम करते हो आप उस काम से दूसरे भी इफेक्ट होते हैं इसलिए जांच पड़ताल करके ही वो आपको अपने सोसाइटी में भर्ती करेंगे आपको अपने साथ काम करने का मौका देंगे क्योंकि आपकी गलती से उन्हें नुकसान हो सकता है उनकी जान तक जा सकती है इंजीनियरिंग प्रोफेशन इतना खतरनाक है तो इसमें हम लोग बहुत ही ढंग से हमें अपने सेफ्टी वगैरह देखते हुए सब काम करने की जरूरत है सिग्निफिकेंस पॉजिटिव पब्लिक सर्विस रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन अगर इथिक्स और मॉरल फिलोसफी की हम बात करें तो ये क्या इथिक्स है क्या इंजीनियरिंग तो हम लोगों ने जैसे कि इंजीनियरिंग इथिक्स पढ़ना है हम लोगों को जानना है तो पहले हम लोग इंजीनियरिंग को जाना फिर हम लोग इथिक्स को जानते हैं कि पहले इथिक्स है क्या उसके बाद तो हम इसकी चीजों की और भी हम बात कर पाएंगे तो हम लोग जानते हैं इथिक्स और मॉरल फिलोसफी क्या है तो ये है इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी या कुछ नहीं फिलोसफी कुछ साइंस नहीं है कि हम लोग हाई फाई इसमें रूल है कि ऐसा करो इस तरह से करो नहीं ये फिलोसफी है The philosophy that involves systematized defending and recommending concept of right and wrong conduct. जो भी काम हो रहा है उसमें सही क्या है और गलत क्या है अपने ज्ञान से या फिर जो सोसाइटी का नॉलेज है उसके अनुसार सही और गलत की पहचान करना यही आपकी मोरल फिलोसफी या इथिक्स है आपका कि आपको क्या करना है अपने नॉलेज से सोसाइटी की क्या दुनिया किस चीज को सही रही है को लॉ नहीं है कि आप इथिक्स को तोड़े हो तो आपको सजा मिल जाएगी पर आपको इथिकल रहना है अनइथिकल काम ही करना है कुछ लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनइथिकल भी होता है और क्राइम भी होता है बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो अनइथिकल तो नहीं है पर वो क्राइम नहीं है पर वो आपके प्रोफेशन में इफेक्ट करेगा बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेगा जैसे कि आपने किसी को जॉब में भर्ती नहीं दिया पहले भी देखकर तो वो अनइथिकल है पर वो गैर कानूनी नहीं कानून नहीं कहता है कि भाई आपने अगर प्राइवेट अपने कंपनी चला रहे हो आपने किसी की पैरवी से किसी को आप नौकरी दे दी तो कोई कानून नहीं कहता कि आप उसको नौकरी नहीं दे सकते आप बिल्कुल दे सकते हो पर वो अनइथिकल है एक गलत तरीका आपने अपनाया है एक गलत मैसेज जाएगा आपकी पूरी सोसाइटी में कि आप गलत काम कर रहे हो आपके साथ लोग काम करना पसंद नहीं करें कि आप किसी और को तवज्जो दे रहे हो जिसका इम्पोर्टेंस नहीं था तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपको इथिक्स को समझना है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी एथियोलॉजी कंप्राइज द सब ब्रांच ऑफ इथिक्स एंड अनइथिक इच कंसर्न्ड विद वैल्यूज तो ये इथिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना आगे की चीजें हम लोगों को अगला देखना है हमको नॉर्मेटिव इथिक्स इसको हम लोग अगले लेसन में देखेंगे क्योंकि ये एक पार्ट आ जाता है बेसिक एंड इसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ इथिकल स्टडी का एक पार्ट आ जाता है नॉर्मेटिव इथिक्स इसको हम लोग अगले लेसन में देखेंगे इस लेसन में हम लोग यही समाप्त करते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं तो उसको अगले ही लेसन में देखेंगे तो इस लेसन में आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें इसको शेयर करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास जनरल स्टडी का कोई स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपसे इस लेसन में आपसे आग्रह करना चाहता हूँ ये बस एक इंट्रोडक्टिव लेसन था आज के लेसन में हम लोग आए चीजों को डिटेल में देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का आपसे आग्रह है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं रिकमेंड करें कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिकमेंड करें लोगों को अच्छा से अच्छा रिव्यू दें
थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से आप तैयारी में लगे होंगे. तो हम लोग देख रहे हैं जनरल स्टडी का ईएससी इंजीनियरिंग से एग्जाम के जनरल स्टडी का पेपर, वो है इंजीनियरिंग एथिक्स. जो आप इंजीनियरिंग में एथिक्स क्या क्या है और उसे कैसे पालन करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझ रहे थे, एथिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे. तो हम लोगों ने उसका डिफिनेशन देखा था, इंजीनियरिंग एथिक्स क्या है पिछले लेसन में ही देखा. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग क्या, इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या और एथिक्स क्या, दोनों को अलग अलग हम लोगों ने समझा. अब हम लोगों को और भी बेसिक चलना, बेसिक एंड इंसिशियल कॉन्सेप्ट इन एथिकल स्टडीज. इसमें हम लोग सबसे पहले देखना नॉर्मेटिव एथिक्स, ये क्या है इसको देखते हैं. तो एथिकल स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल बाई विच वी जज वेदर अ नॉर्मल मोरल एक्शन इज राइट और रॉन्ग. तो एथिक्स यही बताता है कि जो भाई मोरली हमको, जो हम लोग प्रेरित होते हैं जिस काम के लिए, जो हमारा मोरल है वो सही है या गलत है, यही आपका एथिक्स है, यही जानना, इसी को हम लोग को जानना है. दे इंक्लूड एब्स्ट्रैक्टिव लॉ, रिलीजियस अथॉरिटी, पब्लिक ओपिनियन एंड कंसेंसस. यानी कि हमारा एथिक्स कैसे हम जज करेंगे कि हम एथिकल है या नहीं, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका रिलीजन क्या उसका परमिशन आपको देता है, क्या वहाँ का लॉ आपको उसका परमिशन है. सिर्फ लॉ से नहीं एथिक्स चेक किया जाता है. अगर आप लॉ के अगेंस्ट चले जाते हो, कानून के अगेंस्ट चले जाते हो, वो तो गैर कानून नहीं रहता है, अगेंस्ट द लॉ हो जाता है. उसके लिए आपको क्राइम है, उसके लिए पनिशमेंट मिल जाएगी, पर अनएथिकल चीजों के लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. पर अगर आप कंपनी में अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हैं तो आपको नौकरी से हाथ जरूर धोना पड़ सकता है. तो इसके लिए देखना पड़ता है कि भाई वहाँ का लॉ क्या है, वहाँ का रिलीजन क्या है. ऐसा नहीं तो काम करने लगे आप जो वहाँ का रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा हो. रिलीजन अथॉरिटी, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन, वहाँ के लोग क्या मानते हैं, क्या सोच है उसके आपके विरुद्ध, कि हम तो सही नहीं, हम तो सही चीज कर रहे हैं, पर आपका वहाँ का पब्लिक ओपिनियन ही वो नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी आप नहीं कर सकते. तो ये सब चीजें हैं जिसके अगेंस्ट आपको ध्यान रखना है. एथिकल काम कौन है या नहीं है, ये सब चीजें हम लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखकर डिसाइड करते हैं. उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इथिकल. तो टेक्नोलॉजिकल इथिकल थ्योरीज आर दोज दैट जज कंडक्ट एज राइट और रॉन्ग इन रिलेशनशिप टू सम एंड और गोल कंसीडर्ड गुड. तो यही है कि आपने जो टेक्नोलॉजिकल इथिकल थ्योरीज को कहते हैं कि आपने जो गोल डिसाइड किया है उसको पाने के लिए आप सही रास्ता अपना रहे हो, गोल सही है या नहीं है, और उसको पाने के लिए आप जो तरीके अपना रहे हो वो कितना सही है, कितना एथिकल है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है. उसके बाद है आपका हेडोनिज्म एंड इक्यूरिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म. कंसिडर प्लेजर और हैप्पीनेस टू बी द हाईएस्ट गोल. जॉन स्टर्ट विल denies the criticism that altruism in courage and selflessness. He maintains the greatest happiness of the greatest number is the standard of right conduct. ये सारी चीजें आपके नॉर्मेटिव एथिक्स के अंडर में आता है. और भी बहुत सारी चीजें लोगों ने बताया फिलोसफर ने जो आपके एथिक्स से रिलेटेड है, जैसे काम प्रपोज अ मोरल फिलोसफी. ये भी कांट जो एक फिलोसफर थे, उन्होंने भी बहुत ये एथिक्स ही फिलोसफी है. और फिलोसफी में अलग अलग फिलोसफर ने इसके बारे में बताया, क्योंकि ये सोसाइटी किस से देख कर आपको आता है, ये लॉ नहीं है, ये सोसाइटी क्या मानती है, लोगों का विचार क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है. और जो लोगों के विचारों को अच्छी तरह से समझ पाए वही फिलोसफर की बातों को आपको मान के चलना पड़ेगा, कि लोगों का सोचने का तरीका क्या है, इस चीज़ को गलत मान लेते हैं. ऐसा नहीं कि भाई हम लोगों ने तो अच्छा बोल दिया पर उसने गलत मान लिया. अगर गलत मान लिया तो भाई यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, वो आपके यहाँ से कोई सामान खरीदने नहीं आएगा, आपका नौकरी आप कंपनी को डुबा के रख दोगे. तो ये हमको ध्यान रखना है. तो काम प्रपोज अ मॉरल फिलोसफी इन विच प्रिंसिपल्स आर आइदर राइट और रॉन्ग. तो प्रिंसिपल्स तो भाई राइट और रॉन्ग हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशंस. दिस पोजिशन इज समटाइम कॉल्ड फॉर्मलिज्म. यही जो फॉर्मलिज्म फॉर्मल वर्क कहलाता है, यही है फॉर्मलिज्म.
Next है, self-realization often referred to as humanism. ये जो इंसानियत जिसको कहते हो, ये self-realization often referred as humanism. खुद को रिलाइज कर लेना, यही आपका इंसानियत. Promotes the development of the human to the highest possible degrees. आगे है, Platonic humanism and the Aristotelic view of self-realization are historically significant. तो कई philosopher हुए, उन्होंने अलग-अलग तरीके से चीजों को बताया, और इसमें से कौन-कौन important है, सब चीजों को आपको कम से कम जानना है, क्योंकि हम इतने सारे चीजों को हम लोग एक साथ पढ़ते नहीं सकते, इतना समय हमारे पास है नहीं, पर जो question पूछा जा सकता, उस सब चीजों को तो देख लें कि किसने किस चीज के बारे में बताया था. इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिकल मॉरल फिलॉसफी. ये क्या है क्लासिकल मॉरल फिलॉसफी? प्रपोज दैट द मॉरल एब्सोल्यूट्स कैन बी डिटरमाइंड रेशनली. तो ये है क्लासिकल मॉरल फिलॉसफी. इसके बाद नेचुरल लॉ, कुछ नेचुरल लॉ भी है कि भाई ये सब चीज तो सही है ये गलत है, तो नेचुरल लॉ को भी आपको ध्यान है. नेचुरल लॉ इथिक्स इज बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ विच कैन बी डिस्कवर्ड बाय रीजन दैट इज बाय empirical analysis of phenomena. तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो natural है उसको तो भाई हम लोग empirical formula बना सकते हैं उसका, कि ये चीज को तो भाई लोग गलत है ही है, ये चीज सही है ही है. जैसे रात को भाई हम काम नहीं करते, दिन को सोते हैं, ये सब हम चीजें हैं. अगर आप इसके अगेंस्ट जाने लगोगे, इसके natural law अगर इसके अगेंस्ट जाने लगोगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई आप रात को काम करोगे तो कोई मना करेगा. पर अनिथिकल काम तो कर आ रहे हो, क्या वर्कर से आप कह रहे हो कि नहीं रात में आओ, हम रात में ही जॉब देंगे, तो उसके लिए उसके बहुत सारे प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ेगा. अगर आप नाइट में ड्यूटी देने लगोगे, नेचुरल लॉ से आपने हद के काम किया तो आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है. उसके बाद रिलीजनल इथिक्स, जो आपका धार्मिक इथिक्स भी कुछ है, जो वहाँ का जो किस धर्म को मानने वाले, किस रिलीजन को मानने वाले लोग वहाँ हैं, वो सब चीजें भी आपको ध्यान रखना है. रिलीजन इथिकल आइडियाज एज फाउंड इन जुडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. तो बहुत सारे आप इंडिया में तो बहुत सारे और भी धर्म है, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई, सिख, बहुत सारे हैं. टू मॉरल व्यूज, तो सबका अलग अलग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाके ऐसा चीज, आप हिंदू हिंदुस्तान में हो और कहीं अगर बहुत कट्टे हिंदुवादी लोग हैं वहां पे जाके आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, अनइथिकल है, उन लोगों की धारणा करने वाला हो, ऐसा आपको नहीं करना है. तो ये आपको ध्यान में रखना है, बताने की जरूरत तो है नहीं. जैसे कि आप मांस वांस का, अगर आप मंदिर है पास में, वहाँ आपने कोई गोदाम खोल दिया है जिसमें आप पशुओं की बलि दी जा रही है, पशुओं को काटा जा रहा है, तो ये सब गलत है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आप आहत ना करें. द व्यू इज द बिल ऑफ गॉड इज सफिशियंट जस्टिफिकेशन टू ओवे ट्रेडिशनल मैक्सिमम. एंड तो यही है कि भाई भगवान है, इसको कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, ये पर्याप्त कारण है कि आप चीजों को मानिए, आप लॉ को मानिए. द लव ऑफ गॉड इंस्पायर्स पीपल्स टू डू द बेस्ट, टू लिव एज कैरिंग इंडिविजुअल बेस्ट ऑन रिलीजियस टीचिंग्स. तो रिलीजनल जो एथिकल आइडियाज है वो कहता है कि भैया ये इंडिया में तो कौन काफी माना जाता है, हर वक्त कहा जाता है कि देखो कोई नहीं देख रहा है आपको, तो भगवान यही देख रहा है, यानी कि आप सही काम कीजिए, जो आपको दिल से आवाज आ रही है ये गलत है उसको आप मत कीजिए, चाहे वो आपका गैर कानूनी हो या ना हो, अगर आपके दिल से ये आवाज आ गई कि ये गलत चीज है, इसको नहीं करना चाहिए, तो इसको मत कीजिए. ये रिलीजनल इथिकल है, इथिकल व्यूज है, आइडियाज है, जो आपको बता रहा है कि ये भाई, ये तो मतलब आपका इथिक्स को बताने वाला बहुत सारी चीजें. एक तो सोसाइटी, सोसाइटी में आप रह रहे हो तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ की सोसाइटी में ये चीजें गलत है, इस नहीं करनी, वहाँ सोसाइटी, वहाँ के लोग, वहाँ कल्चर, वहाँ के रिलीजन, ये सब आपको डिसाइड करने में मदद करता है कि भाई क्या गलत या क्या सही. उसके बाद भगवान की मान्यता, भगवान को माना जाता है, बहुत साइंस, आपको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कुछ लोग हैं कि बातें करते हैं ईश्वर है नहीं है, इस सब चीजों में नहीं पढ़ना है, पर हमें ये विश्वास जरूर है कि ईश्वर है और हमें देख रहा है, अगर हम गलत करेंगे तो वो जरूर देखेगा, ये विश्वास आपको अपने आप इथिकल बने रहने में सपोर्ट करता है.
तो ये सब चीजें हैं. एक और टर्म्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि दो है, सिचुएशनल इथिक्स और टेक्नोलॉजिकल इथिक्स. दोनों के एक ही साथ हम लोग देखते हैं, ये इथिक्स नीचे आ गया, ये टेक्नोलॉजिकल इथिक्स है और ये सिचुएशनल इथिक्स है. दोनों में क्या है डिफरेंस और दोनों क्या चीजें हैं, सब चीजों को देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू जॉस फ्लेचर द डॉक्ट्रिन कंट्रडिक्ट द ट्रूली मोरल एक्शन प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लव पॉसिबल इन ईच सिचुएशन. Love is the only moral, absolutely a version of technological ethics. तो ये है आपका situational ethics. कि आपका emotions, आपका love ही आपको कहता है कि भाई गलत मत कीजिए. आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ या जिसके जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं, अगर आपका love है, उससे प्यार है, जिसने बिजनेस कर रहे हैं इसके साथ आपका लगाव है, तो अपने आप आपको मोरली कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इथिकल क्वेश्चन का जवाब भी आप आराम से दे सकते हो. क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो बस उससे आप प्यार कीजिए क्वेश्चन से और आप समझिए कि भाई क्या गलत है और क्या सही. कुछ टर्म जरूर हम लोगों को जानना पड़ेगा इस चैप्टर में. बाकी इथिकल डिसीजन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है. इथिकल डिसीजन तो आराम से लिया जा सकता है क्योंकि भाई अगर हम उसको अपना मान के चले तो हमें क्या करना चाहिए था, वही इथिकल है. जो गलत है जो गलत है, गलत जो गलत चीज है वो गलत ही है, चाहे आप उसमें कितना भी लॉजिकल देने लगो. और एक चीज हम याद रखिए, कभी भी इंटरव्यू में जाइए, खासकर यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो कभी भी अनएथिकल चीजों को सही मत ठहराइए. उसको सही ठहराने की कोशिश, जस्टिफाई करने का अपना लॉजिक देने की कोशिश मत कीजिए. जैसे कोई किसी ने कहा कि आपको भाई यहाँ पे जो भी आता है जॉब पे हर कोई पैसा लेता है, जो पैसा बिना, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा. आप देखिए आओ पैसा, क्या आप देने जाओगे कि नहीं देने जाओगे. तो आप साफ मना कर लीजिए, हम नहीं देने जाएंगे. हम उनको अपने काम से मनाएंगे, विश्वास दिलाएंगे, पर गलत काम हम नहीं करेंगे, अनइथिकल काम नहीं करेंगे. स्लॉट है टेक्नोलॉजिकल इथिक्स. ये क्या है, थ्योरी दैट द कंसिक्वेंस ऑफ द मोरल एड डिटरमाइन इट्स राइटनेस और रॉन्गनेस. यहाँ पे आपका कंसिक्वेंस जो है मोरल का, मोरल एक्ट का, वही डिटरमाइन करता है कि आप क्या सही है या गलत है. वो आपका टेक्नोलॉजिकल इथिक्स, जिसमें आप मतलब कोई टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, कोई जुगाड़ भिड़ा सकते हो कि भाई जानने के लिए, कोई थ्योरी है आपके पास. जहाँ पे आपका थ्योरी नहीं है, बस बस आपका सिचुएशन है कि तो वहाँ वो इथिक्स सिचुएशनल इथिक्स कहलाता है. और जहाँ पे आपके पास रूल रेगुलेशन है किसी को सही या गलत ठहराने के, वो आपका टेक्नोलॉजिकल इथिक्स कहलाता है. तो ये था इस लेसन में, हम लोग इतना ही रखते हैं. अगले लेसन में हम लोग और भी चीजें देखेंगे, इथिक्स के एक एक पॉइंट को, एक एक डिफिनेशन को देखेंगे. डिफिनेशन ही इसमें आएगा, चीजों को आपको जानना है, बेसिक ही जानना है. इसमें आप लोगों को बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जो कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है. सिविल सर्विस एग्जाम्स में दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन, एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है आपको डिसीजन लेने के लिए, क्या जाता है, कहा जाता है किसमें सही क्या, आप क्या चुनते ऐसे सिचुएशन में, आप क्या करते. और आपको नंबर दिया जाता है कि उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है. उसमें होता है कि अगर आपने सही चुना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उससे कम अनिथिकल चुना है तो आपको थोड़ा कम नंबर मिलेंगे, उससे कम मिला है तो भाई और भी कम, और बहुत ज्यादा गलत चुन लिया है तो आपने जीरो. तो ये गैर कानूनी तो है नहीं, गलत चीजें आपको कर लेंगे. ये तो आपकी चॉइस है चुनना, पर आपने सही चुना तो कंपनी को फायदा होगा. अगर आप इथिकल चीजें चुन रहे हो तो कंपनी को चूंकि फायदा होता है, इसलिए आपको वो इस तरह से ऑप्शंस देते हैं. और सिविल सर्विसेज में इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन आ रहा है इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आ रहे. इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको बेसिक डिफिनेशन से रिलेटेड चीजें पूछा जा रहा है कि मोरल क्या होता है, इथिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग इथिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में इथिक्स क्या होता है, इस तरह की बेसिक सिचुएशनल इथिक्स क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इथिक्स क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें आपसे पूछी जा रही है जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें. तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस लेसन को देखने के लिए. और आपसे आग्रह है कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई मटेरियल नहीं है, वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें, अधिक से अधिक शेयर करें. फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ शेयर करें. जो भी दोस्त अगर आप जानते हैं किसी ऐसे फ्रेंड्स को जो भाई खुद से घर पर बैठ के तैयारी कर रहा है, तो उनकी मदद करें, उन्हें बताएं कि इस प्रकार का कोर्स है, इस प्रकार का वीडियोज बना हुआ है, और वो जाके वीडियोज को देखें. तो अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा सा रिजल्ट लाएं और मुझे बताएं कि आपका एग्जाम कैसा रहा. बहुत बहुत धन्यवाद.
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग एथिक्स को, जो कि ईएससी इंजीनियरिंग साइंस एग्जाम के जनरल स्टडी का एक टॉपिक है, जनरल स्टडी। और इसमें हम लोग देख रहे थे बेसिक एंड इसेंशियल कॉन्सेप्ट इन इथिकल स्टडीज। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, बेसिक से ही पूछा जाएगा आपको जनरल स्टडी में। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके थे, इसलिए हम लोगों को कुछ चीजें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूटिलिटेरियनिज्म, ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म ये एन इथिकल थ्योरी दैट क्लेम दैट यूटिलिटी इन द सेंस दैट व्हाट एवर इंक्रीज प्लेजर एंड डिक्रीज पेन शुड बी द एम ऑफ आर्ट एंड द क्राइटेरिया बाय व्हिच वी जज देम। तो यही हम इथिकल किसी से कैसे पहचान रहे हैं, कौन चीजें सही है और कौन चीजें गलत। तो इसको हमें पहचानने के तरीका है कि कौन हमको सुख देता है और कौन हमें पेन देता है। तो इस सब चीज को इथिकल थ्योरी, जो ये इथिकल थ्योरी है वो बताता है आप लोगों को कि भाई कैसे हम इस चीज का सही गलत को पहचान करें। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है कि जो सुख देता और पेन को कम करता है, और हमारा सुख देता है प्लेजर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता और पेन को कम करता है, शुड द एम ऑफ एक्ट एंड क्राइटेरिया बाय व्हिच वी जज देम। इसी चीज को हम एथिक्स को हम जज कर सकते हैं इस बेसिस पे, ये लॉ हमें ये बताता है। उसके बाद बेनेवोलेंसी, ये क्या है, इट इज द एक्टिविटी परस्यूट ऑफ द इनलॉन्स वैल्यू दैट वी कैन गेट फ्रॉम रिलेशनशिप विद अदर पीपल। बेनेवोलेंसी एज अ मेजर वर्च्यू इन की टू लिविंग बाय द ट्रेड प्रिंसिपल दैट इज ट्रेड क्रिएट इनॉर्मस वैल्यू बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। Benevolence is the commitment to create a trade and trading opportunity. तो ये benevolence का concept है। इसी प्रकार से हम लोगों को आगे बहुत सारी थ्योरियां पढ़ना, जिससे हमको ethics का कौन ethical है और कौन unethical, इस चीज को हम लोग judge कर सकते हैं। जैसे courage, courage the ability, courage क्या है इस चीज को आप लोग समझते भी है, पर इसी चीज को आप लोगों को जानना है। कुछ ऐसी चीजें नहीं है आप लोगों को पढ़ा, जो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म्स है, जिसके जिसका एग्जैक्ट को डिफिनेशन, ये वही चीज है जिस चीज को आप लोग जानते हैं, पर उसको अच्छे से आप समझते हैं कि नहीं समझते है। इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है ताकि आप चीजों को अच्छे ढंग से समझ सकें, ताकि आप गलत ना कर पाए, क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप बता सके। तो कैरेज इज द एबिलिटी टू एक्ट इन द फेस ऑफ डेंजर एंड अनसर्टेनिटी। तो कैरेज किसको कहते हैं, कौन कैरेज वाला बच्चा होता है जो डेंजर में भी भाई इत्मीनान से काम कर सके, या फिर अनसर्टेनिटी हो, किसी को नुकसान का डर है कंपनी को, तब भी वो अपना धैर्य बना के रखे, वही उसी के पास कैरेज होता है। जो रिस्क लेने का सब जो क्षमता हो जिसमें, इसके पास कैरेज है, वही जीत सकता है। जो अनसर्टेनिटी होते हुए भी अपना हिम्मत ना हारे, जब डेंजरस आ जाए, डेंजर आ जाए, तब भी वो अपने काम को सही ढंग से करे, कोई गलत कदम ना उठा दे, कि दो को आपके धमकाया नहीं कि आप उसको दे दिए पैसा निकाल कर, नहीं, वो गलत है। वहां पे आपने उसको दिया, आपको कैरेज रखने की जरूरत है। Although it is more of an emotional of a state of mind, तो कैरेज क्या है, ये भी एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड का एक सेक्टर है। क्योंकि आप कुछ लोगों का होता है थोड़ा सा उनको याद बढ़ा दिया वो डर गए, वो जोर से बोल दिया तो उसमें दम नहीं है, वो कैरेज नहीं है, वो बेवजह ही डर रहा है। तो यही है, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड ही है और कुछ नहीं है। इट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन्स लाइफ, दिस इज बिकॉज द फर्दर इज ऑलवेज अस फ्यूचर इज ऑलवेज अस सर्टेन। तो फर्दर जो भी आपके आने वाला हो ऑलवेज अस सर्टेन है। कोई आपको जानते हो क्या कि अगर आगे जाने वाले हो कोर्ट पे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला, क्या होने वाला, क्या जानते हो? तो क्या डर से आप घर से निकलोगे ही नहीं? आप जानते हो कि भाई इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं फिर भी आप घर से बाहर निकलते हो कि? तो एक कैरेज ही है, ये डरपोक लोग होंगे, ये डरपोक है, वो डरते हैं, वो एक्सीडेंट के डर से घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। और ऐसे ही डरपोक लोग जो भाई नुकसान से डरते हैं, वो कभी बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, वो कभी पैसा ही नहीं आ पाएगा, पैसा लगा नहीं, कहीं पैसा डूब ना जाए। और डूबेगा तो एक बार डूबेगा, दो बार डूबेगा, एक बार में तीसरी बार में ऐसा प्रॉफिट करके दे जाएगा आपको कि आपका सारा नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो यही आपका है कैरेज। उसके बाद इसके बारे में और जानकारी है कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग डेथ।
भाई लाइफ ऐसा नहीं कि आप मौत को नकार सको, आपको यकीन करना पड़ेगा कि मरना हर किसी को है। और अगर ये चीज आप जान लिए तो भाई गलत चीज ऐसे भी नहीं करोगे। यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है आपको कि भाई सबको मरना है तो फिर डरना क्या। आप अनएथिकल किसी डर में किसी दबाव में आके गलत काम ना करो, क्योंकि गलती का जो भी आपने गलत किया उसकी सजा आपको ही भुगतनी है, उसका उसके लिए कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा। तो ये आपको जानना है कि डेथ सर्टेन है, वो होना ही है। इट इज अबाउट अचीविंग द वैल्यू एंड हैप्पीनेस। तो आपकी जिंदगी है कि आप अच्छा से अच्छा काम करो, अपना स्टैंडर्ड बनाओ, हैप्पीनेस को क्रिएट करो और वैल्यू बनाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ। कैरेज मस्ट ओवरकम बोथ द फियर ऑफ डेंजर एंड अनसर्टेनिटी। तो आपका अगर कैरेज हो तो वो दोनों चीज को वो हटा देता है, दूर कर देता। एक तो डेंजर से डर, खतरा से डर जो लगता है उसको हटा देता, और दूसरा अनसर्टेनिटी से आपको जो डर लग रहा है उन सब चीजों को खत्म कर देता है। यदि आपके पास कैरेज है तो कैरेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ इंटरव्यू वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती है, जो अच्छी कंपनियाँ होती है, क्योंकि वो नॉलेज आपका पहले से जानती है। वो चाहती है कि भाई आपके पास कैरेज है, क्या आप रिस्क ले सकते हैं, क्या आप इस कंपनी को अच्छे जगह पर पोजिशन पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद है चेयरिंग एंड शेयरिंग। ये क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग। तो केयरिंग और शेयरिंग क्या है, इस चीज को देखे चीजों को हर किसी जानते, कौन नहीं जानता है केयरिंग क्या है, कौन नहीं जानता शेयरिंग क्या है, क्या है। पर इस चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है ताकि जब इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल आप करो तो सही ढंग से डिसीजन ले पाओ आप। तो केयरिंग फॉर अदर पर्सन एंड शेयरिंग देयर सैरोज एंड हैप्पीनेस इज द हार्ट ऑफ द मोरल लाइफ। जो मोरल लाइफ है इसका एक बहुत बड़ा फंडा है कि आप दूसरों की केयर करो और उसके साथ अपनी हैप्पीनेस, यस जो आपका दुख है सैरोज है उसको आप शेयर कर सको। अगर आप अपने दुख को अपने आप में दबा कर रखोगे तो आप दुखी होते जाओगे, दुखात्मा बनते जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, लगेगा दुनिया कितनी दुखों से भरी हुई है, हर कुछ दुखी दुख है, हर कोई मेरे साथ बुराई करता है। और हैप्पीनेस में भी अगर आप खुद में एक में सेलिब्रेट करने की कोशिश करोगे तो हैप्पीनेस एक में सेलिब्रेट नहीं होता। तो वही लोग यही सब चेक किया जाता है जो मतलब ओपन माइंडेड लोग हैं, जो लोग अपनी खुशियों को अपने आप में दबा कर रखते हैं या अपने दुखों को अपने आप में दबा कर रखते हैं, उसको रिस्की काम नहीं दिया जाता है। खासकर प्लेन उड़ाने वाला ये सब काम नहीं दिया जाता है। ऐसे लोगों को मेंटल माना जाता है कि बीमार है, वो अपनी अपनी खुशियों को शेयर नहीं करते हैं, अपने दुखों को शेयर नहीं करते, वो मेंटल लोग हैं, वो बीमार लोग हैं, वो कब क्या कर जाएगा नहीं जानते हैं। तो आपका जो नॉर्मल पर्सन है उससे उम्मीद की जाती है कि वो लोगों को अपने आसपास के लोगों का केयर करे और अपने दुखों का अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करे। ये हमारे मॉरल लाइफ का आपका एक मॉरल लाइफ का वैल्यू है। मॉरलिटी ऑफ द केयर लीड्स टू द refacingly new picture of morality as settling on the relationship feelings and the connectedness rather than the impartiality justice and fairness। तो यह आपका caring और sharing का बदला है। इस चीज को आपको जाना, चीजें वही है, बस चीजों को आपको सही ढंग से जानना है। जैसे duties, ड्यूटी हर कोई जानता है ड्यूटी क्या होता है, पर हम लोगों को इसलिए जानना है कि हम लोग इथिक्स करने जा रहे हैं, इथिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग इथिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और हम लोगों को जॉब करना है, ऑफिसर ग्रेड का जॉब करना। हम लोगों को अपनी ड्यूटी नहीं पता हो कि क्या ड्यूटी है, उसको कैसे करना है। तो भाई ऑफिसर रहने का फायदा क्या, आपको भी पता होना चाहिए और आप अपने नीचे वालों को भी सही ढंग से चीजों को समझा पाओ, उनको मोटिवेट कर पाओ सही चीज करने के लिए। डरा कर धमका से काम नहीं कराया जा सकता, जितना डराओगे जितना धमकाओगे उतना ही वो गलत काम करेंगे। यह है आपकी ड्यूटी। तो चलिए इसमें ये सब चीजों को हम लोग अगले लेसन में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी हम लोगों को देखना है, तो इन सब चीजों को हम लोग अगले ही लेसन में देखेंगे। इस लेसन में हमारे पास समय नहीं बचा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे इसको, जो लोगों को जरूरत है जिनके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। जनरल का इथिक्स का इथिक्स तो कहीं कुछ बुक वगैरह भी नहीं मिलता, और बुक वगैरह मिल भी जाए तो आप पढ़ नहीं सकते हो, और वो बुक मत पढ़ने चले जाना जो सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब बुक मत पढ़ने चले जाना, उसमें बहुत सारी चीजें दी जाती है। और सिविल सर्विसेज में अलग तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें जो क्वेश्चन आता है वो है डिसीजन मेकिंग जैसा, कि कौन सा डिसीजन एथिकल है कौन अनएथिकल है, वो क्वेश्चन इस तरह से देते हैं। वो
रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं, पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, आपको क्वेश्चंस आते हैं कैसे? आपको आते बेसिक डिफिनेशन, ड्यूटी जो क्या है, चार वो ऑप्शन दे देगा, बराबर स्टेटमेंट लिख के उसमें कहा है एक दो सही है, दो तीन सही है, इस तरह से कि आपकी ड्यूटी छूट किसमें से, कौन सी आपकी ड्यूटी है, कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग हैं, दोनों की पढ़ाई अलग है। तो उन लोगों के साथ आप मटेरियल अधिक से अधिक शेयर करें इसको, यही आपकी सच्ची सेवा होगी, सच्चा आपका गुरुदर्शन ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।